तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले, जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे दोस्तों 21 दिन के लिए भारत लॉकडाउन है, इसमें इसी के बीच में यहाँ पे वित्त मंत्री की तरफ से बहुत सारी स्कीमें बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके लाभ कुछ लोग तो ले पा रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं, जो लोगों को पता नहीं। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे दोस्तों आप लोग अगर राशन नहीं पा रहे हैं तो पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं, किसको फ्री राशन मिल रहा है, कैसे कैसे क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि राशन फ्री मिल रहा है, गैस जनधन अकाउंट में पैसा आ रहा है और साथ साथ मनरेगा वगैरह बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो किसको किसको राशन फ्री मिलने वाला है, मान लीजिए दोस्तों होता क्या है, पता चलता है कि आप जाते हैं कोटेदार हैं, हाँ आपसे पैसा ले लेता है लेकिन आपको राशन फ्री देना है। ठीक है, तो जो सारी स्कीमें यहाँ पे राशन के लिए, राशन योजना के लिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे भारत की वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमन जी ने 1.70 लाख का कुछ इस तरह से बजट पास किया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 21 दिन लॉकडाउन और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दोस्तों रोजगार नहीं है, तो खाने पीने के लिए दिक्कत, तो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, आइए दोस्तों जान लेते हैं आखिर राशन मिलेगा किसको फ्री मिलेगा, कैसे कैसे क्या, पहले डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बता दें कि यहाँ पे जो भी योजनाएं चलाई गई हैं इसमें है क्या, पहले बता दूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास यहाँ पे सामान्य वाला कार्ड है, ठीक है, जो सफेद वाला होता है, अगर वो कार्ड है तो यहाँ पे 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं यानी एक सदस्य पे 5 kg राशन मिलना चाहिए। यदि आपके मतलब राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं तो 20 kg आपको मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो जो सफेद वाला है उसमें चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्री किसको दे रहे हैं, जो सफेद वाला है उसमें कुछ प्राइस जो भी है उसका ले रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ए वाला कार्ड है, आपको बता दूं तो यहाँ पे साइड में आप देख भी सकते हो, अगर ए वाला कार्ड आपके पास है, मैंने गया जैसे अपने यहाँ कोटेदार यहाँ, तो इस तरह से कुछ सूची लगाई गई थी जो सरकार की तरफ से यहाँ पे योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया था हमको बता देते हैं। साफ साफ लिखा गया था कि यहाँ पे निःशुल्क राशन की पात्रता, अंत्योदय कार्ड धारक सभी निःशुल्क हैं। ठीक है, अंत्योदय अगर आपके पास राशन कार्ड है तो बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा मांगे तो मत दीजिएगा। और यहाँ पे मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं तब भी आपको फ्री मिलेगा। फिर यहाँ पे श्रमिक पंजीकृत कार्ड धारक हैं तब भी फ्री मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, नोट राशन कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य का मनरेगा जॉब कार्ड, श्रमिक पंजीकृत कार्ड है, उसी राशन कार्ड पर निःशुल्क राशन मिलेगा। ठीक है, मतलब दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ पे जो आपका कार्ड है उसमें कोई सदस्य है, ठीक है, मनरेगा उनके पास जॉब कार्ड वगैरह, तो इसका लाभ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योजना इन लोगों के लिए चलाई गई है। अगर आपके पास सफ़ेद वाला जैसे कार्ड होता है जो सामान्य होता है, उस पर कुछ चार्ज लग रहा है, लेकिन इस पर आपको चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो दोस्तों कैसे रहे वीडियो, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय फ्रेंड।